पेश है इजुसा डायमंड ज्वेलरी, उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इजुसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए, कॉल नाउ 1-800-532-8444। अलीगढ़ में सपा का गुम्बा बढ़ने से राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया है, साथ ही अलीगढ़ की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सपा के पूर्व विधायक के साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद के सपा में शामिल होने से सपा को राजनीति के दाव पेच में मजबूती मिलेगी। वहीं दो धुरंधरों के एक साथ सपा में शामिल होने से सपा में खुशी का माहौल है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी से बागी होकर कांग्रेस की सवारी करने के बाद अब सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह एक बार फिर घर वापसी कर गए हैं। वहीं घर वापसी के दौरान उनके द्वारा अलीगढ़ के पूर्व कांग्रेस सांसद बिजेंद्र चौधरी और अन्य दर्जन भर से ज्यादा लोगों को साथ लेकर घर वापसी की है। वहीं सपा सुप्रीमो से मुलाकात के बाद पहली बार सपा कार्यालय पहुंचे सपा विधायक का अलीगढ़ सपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सपाइयों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक का मनोबल बढ़ाया। वहीं समाजवादी कार्यालय पर चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह और उनके साथ 10 निगम पार्षद भी पहुंचे थे, समाजवादी कार्यकर्ताओं का खूब जोरदार स्वागत किया। वहीं हाजी जमीरुल्लाह ने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी में अपनी घर वापसी की है, जो भी मुझसे गलतियां हुई है मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और समाजवादी पार्टी को 2022 के मिशन को आगे ले जाने का कार्य करूंगा और सभी मनमुटाव भेदभाव मिटाकर पार्टी के लिए कार्य करूंगा। मुझे जो आदेश हाईकमान से मिलेगा वो मेरे लिए पालन होगा। वहीं कांग्रेस से सपा में आए कांग्रेस के पूर्व सांसद बिजेंद्र सिंह के द्वारा कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों पर जमकर तंज कसे, उनके द्वारा बीजेपी को देश बेचने वाली पार्टी भी बताया गया। ये सब लोगों को जानकारी है, पहले तो हम सभी साथियों का, मीडिया का बहुत बहुत आभार करेंगे कि बहुत ज्यादा व्यवस्था में थोड़ी व्यवस्था नहीं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 28/11 को लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे बड़े भाई पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक हमारे भाई हाजी जमीरुल्लाह साहब और पूर्व प्रत्याशी रहे मोहम्मद सगीर साहब ने पार्टी ज्वाइन की थी। मोहम्मद सगीर साहब 3 दिन पहले 4 दिन पहले पार्टी कार्यालय आ चुके थे, जमीरुल्लाह साहब बाहर थे सांसद जी। आज दोनों साथी हमारे सीनियर साथी यहाँ पधारे हैं, तहे दिल से समाजवादी परिवार की ओर से हम इनका पार्टी साथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले तुम यहाँ जितने भी लोग आए इन सब का अपनी तरफ से अपनी नई यहाँ की बोलिए मेरे ज्वाइनिंग किया है परिवार की तरफ से इन सबका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि समाजवादी परिवार में एकता की ताकत को मजबूत करे, जिससे ये पूरे जनता के साथ जो दोहन हो रहा है, दोहन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसे अखिलेश जी के नेतृत्व में उसका मुकाबला करके जनता के हितों की लड़ाई। कांग्रेस में क्या खामियां लगी आपको जो छोड़ दी? बताऊंगा सरकार, बता दीजिए सरकार, जो खामी नहीं है ये देश 1,35,135 करोड़ जनता, आज किसान, बेरोजगार नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़े सभी लोग आत्माओं से दुखी हैं। भ्रष्टाचार ने सीमा तोड़ दिया, पराकाष्ठा पर 20 गुना हो गया, अपराध बढ़ गया है, महिलाओं के साथ दिन रात रेप कांड हत्याएं हो रही हैं और जिसमें दुहाई देते प्रधानमंत्री जी कि मैं 2 करोड़ पर ईयर प्रतिवर्ष नौजवान को नौकरी दूंगा। इस नोटबंदी के बाद में तमाम लड़के बेरोजगार होके घरों में बैठे। सांसद जी हाथ का पंजा क्यों तोड़ा आपने, ये बताइए। वही कहने आ रहा हूँ, वही बताइए, वही आ रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी इन लोगों की हितों की रक्षा करने में कमजोर पड़ गई है। 1989 के बाद 93 MLA थे, तब से लगातार होता चलाया हूँ, आज वो स्थिति पैदा हो गई है, 5 MLA हैं। जनता के हितों की लड़ाई लड़ना
नागरिकता नेताओं का कर्तव्य नहीं धर्म बनता है। अलीगढ़ नहीं रही पूरे प्रदेश में आज स्थिति पैदा हो गई है कि तमाम जनता माननीय अखिलेश यादव जी में विकल्प देखती है कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही वायदा खिलाफी अत्याचारों से भ्रष्टाचार से और दलितों मुस्लिमों सब की एकता की ताकत को जो देश की एकता की ताकत ही देश का मूल मंत्र है कोई सुरक्षित रख सकता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान अखिलेश यादव रख सकते हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।